दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूँ अपकमिंग स्मार्ट सिटी सीरीज का पार्ट 4। इसके पिछले पार्ट्स में मैंने भारत में बन रहे ढोलेरा स्मार्ट सिटी, गिफ्ट सिटी, नोएडा सिटी, भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी और गुवाहाटी स्मार्ट सिटी जैसे कुछ ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट के बारे में बता रखा है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस अपकमिंग स्मार्ट सिटीज़ के सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर पार्ट 5 लिखना ना भूलें, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपका है और आप लोग के हिसाब से ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या स्मार्ट सिटी के बारे में। अयोध्या को स्मार्ट अयोध्या बनाया जा रहा है। अयोध्या को पिलग्रिमेज और हेरिटेज सिटी के साथ साथ स्मार्ट और हाईटेक सिटी भी बनाया जा रहा है। अयोध्या स्मार्ट सिटी को एक वर्ल्ड टूरिज्म हब के तौर पर डेवलप किया जा रहा है और मोदी जी का विजन है कि वो अयोध्या को एक ऐसा टूरिस्ट हब बनाना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या जरूर आए। इस स्मार्ट सिटी को फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप किया जाएगा जिसे 20,000 करोड़ की लागत के साथ बनाया जाएगा। अयोध्या स्मार्ट सिटी की ब्लूप्रिंट इंटरनेशनल कंसल्टेंट LEA एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड तैयार की है, जिसमें स्मार्ट सिटी के साथ साथ टूरिज्म बोर्ड, सरयू रिवर बैंक डेवलपमेंट और रोड्स भी डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को 2022 से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अयोध्या स्मार्ट सिटी के टूरिज्म को और बढ़ाने के लिए भारत के हर राज्य से रेल कनेक्टिविटी होगी ताकि प्रतिदिन 1,00,000 पर्यटक अयोध्या घूमने आ सके। अयोध्या के रेलवे स्टेशन को राम मंदिर के मॉडल पर डेवलप किया जाएगा जिसे बनाने में 100 करोड़ की लागत लगेगी। अयोध्या स्मार्ट सिटी के ट्रैफिक मैनेजमेंट को फुल्ली एडवांस कर दिया जाएगा और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 65 किलोमीटर का एक रिंग रोड भी बना रही है ताकि शहर में वाहनों का आवन जावन थोड़ा कम रहे और शहर कंजेस्टेड ना लगे। यहाँ की दिव्य और पौराणिक संस्कृति को दिखाने के लिए 300 एकड़ के एरिया में रामायण थीम पार्क बनाया जाएगा और शहर के अंदर प्रवेश करने के लिए 4 मेन गेट्स बनाए जाएंगे। यहाँ पर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए गुजरात के ढोलेरा स्मार्ट सिटी के मॉडल पर ट्रंक ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, यानी सभी सीवेज की पाइपलाइन जमीन के नीचे से की जाएगी। दोस्तों हम सब तो यही आशा करेंगे कि जल्द से जल्द हमें नया अयोध्या देखने मिले। दोस्तों अयोध्या स्मार्ट सिटी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए जल्द से जल्द एक अयोध्या के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ला सकें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वाइजाग स्मार्ट सिटी के बारे में। वाइजाग स्मार्ट सिटी को 24 आवर सिटी बनाया जा रहा है जहां पर सभी चीज़ें 24x7 होंगी। वाइजाग स्मार्ट सिटी को 682 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में डेवलप किया जा रहा है जहां पर 50% इंफ्रास्ट्रक्चर अबव द लैंड और 50% इंफ्रास्ट्रक्चर बिलो द लैंड सरफेस बनाया जाएगा। अबव एंड बिलो लैंड सरफेस से मेरा मतलब है कुछ मॉल्स और रेस्टोरेंट जमीन के नीचे भी बनाई जाएंगी। मुझे तो लगता है ये भारत का पहला स्मार्ट सिटी है जहां पर ब्रिटेन के मॉडल का इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जा रहा है। यहां पर 24x7 इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद रहेगी। हर स्मार्ट सिटी के जैसा यहां पर समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए घर होगा। इस स्मार्ट सिटी के बनने के बाद 17,585 करोड़ का निवेश आएगा जिसमें कई IT कंपनी शामिल है जैसे इंस्प्रिज IT सॉल्यूशन, साइंट, मैपल सॉफ्टवेयर, कलर मून टेक्नोलॉजीज, मिराकल सॉफ्टवेयर सिस्टम, विप्रो और उबर। इन कंपनीज के आने से कई लोगों को रोजगार मिलेगा। वाइजाग के 30% लैंड को ग्रीन स्पेस और ट्रीज प्लांटेशन के लिए अलॉट किया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक के लिए स्मार्ट सिग्नलिंग एंड ट्रैफिक सर्विलांस सिस्टम भी बनाया जाएगा। यहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग की भी फैसिलिटीज मौजूद रहेगी। यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग की फैसिलिटीज को बेहतर करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स कम किया जाएगा। यहाँ के सभी घरों पर सोलर रूफटॉप बनाए जाएंगे और टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट देने के लिए बीचेस को और ज़्यादा ब्यूटीफाई किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लखनऊ स्मार्ट सिटी के बारे में। लखनऊ स्मार्ट सिटी को 813 एकड़ के एरिया में बनाया जा रहा है ताकि लखनऊ को एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग हब बनाया जा सके। इस स्मार्ट सिटी को 1475 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा जिसके बनने के बाद लखनऊ के लोगों का पर कैपिटा इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काफ़ी वृद्धि आएगी। इस स्मार्ट सिटी को बनाने में कई विदेशी कंपनीज की मदद ली जा रही है ताकि हर चीज एडवांस और आधुनिक हो। यहाँ पर स्मार्ट ग्रिड बनाए जा रहे हैं जहाँ पर ऑटोमेटेड रिपेयर सिस्टम लगा होगा, यानी सभी काम रोबोट करेंगे। गुजरात के गिफ्ट सिटी जैसा यहाँ पर आइसोलेटेड अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायरिंग की जाएगी और रोड के किनारे सक्शन वाटर एब्जॉर्बर भी लगाया जाएगा ताकि रोड्स पर कभी भी पानी न जमे। इसके साथ साथ बायो स्मार्ट रोड बीन्स भी लगाए जाएंगे जो खुद ही कूड़े कचड़े को यूरिया में कन्वर्ट कर देंगे। लखनऊ में एक मिनी IT पार्क भी बनाया जाएगा जहाँ पर कई IT कंपनीज अपने ऑफिसेज खोलेंगी
जैसे ओरियास टेक्नोलॉजीज, सिम्फ्लोकस सॉल्यूशंस लिमिटेड, अल्फाबेट ग्लोबल सॉल्यूशंस, पिकार्ड टेक्नोलॉजी, HCL टेक्नोलॉजीज, DG हॉलीटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। जो लोग एक दिन के लिए किसी काम से लखनऊ आते हैं उनके लिए नाइट शेल्टर्स भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ के लोगों के लिए इफेक्टिव वाटर सप्लाई की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर सिटी के एडवांसमेंट के साथ साथ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए गोमती रिवर फ्रंट को डेवलप किया जा रहा है और यहाँ के पार्क्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस को और भी ज्यादा ब्यूटीफाई किया जाएगा। यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियाँ पार्क करने पर प्रतिबंध होगा और इसके लिए मल्टी लेवल कार पार्किंग भी बनाई जाएगी और इसके साथ साथ लोगों के लिए साइकिलिंग ट्रैक का भी निर्माण किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे होम टाउन बेलागवी स्मार्ट सिटी के बारे में। बेलागवी स्मार्ट सिटी को भारत सरकार के 100 स्मार्ट सिटी फ्लैगशिप मिशन के अंतर्गत बनाया जा रहा है। बेलागवी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 500 एकड़ के अनप्लैंड एरियाज को डेवलप किया जाएगा। इस स्मार्ट सिटी को सिटीजन फ्रेंडली के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया जाएगा, जहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग की फैसिलिटीज मौजूद रहेंगी। बेलागवी स्मार्ट सिटी को बेंगलोर की अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रही है, जिसको फुल्ली एडवांस और स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। यहां पर फ्री वाईफाई जोन भी बनाया जाएगा ताकि लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी मिल सके। बेलागवी में कई IT कंपनीज मौजूद है, जैसे टेक्नो इंडिया सॉल्यूशन, क्यूबी कोड डिजिटल मीडिया, आइडियल लर्निंग नेटवर्क और यूसोम इट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। बेलागवी स्मार्ट सिटी को वहां के कंजेशन को कम करने के विजन से डेवलप किया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी को बनाने में बहुत सी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज की मदद ली जा रही है। यहां के जितने भी वैकेंट एरिया है उसको डेवलप किया जाएगा। इस स्मार्ट सिटी को पूरी तरह से साफ सुथरा रखने के लिए फ्रांस के मदद से ऑटोमेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा और सभी ड्रेन्स को कवर कर दिया जाएगा जिसमें सेंसर्स लगे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस अपकमिंग स्मार्ट सिटी सीरीज का पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।